सिर्फ ये दिखाया जा रहा है कि हमको यहां पर आपत्ति है, हम यहां तक इस पॉइंट तक अड़े हुए हैं, हल कैसे निकलेगा सवाल तो बना हुआ है। देखिए मीनाक्षी, अगर इन सिर्फ चंद दिनों को हम ले लें जब किसान आंदोलन यहां पर कर रहे हैं, तो इस पूरे मामले को हम सही दृष्टिकोण से देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि सरकार के अपने साथी इस मुद्दे पर लंबे समय से अपना ऑब्जेक्शन देते रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने सिर्फ एक चीज को मेंटेन किया है कि समझने में गलती हुई है। तो समझाने की कोशिश भी सरकार की तरफ से पर्याप्त होने चाहिए। अगर उसे लगता है कि सचमुच में एमएसपी को लेकर सही फैसला हुआ था, सही कानून आया है, तो ये सारी चीजें भी सरकारों किसानों तक पहुंचनी चाहिए। यहां पर इस समय मैं गाजीपुर बॉर्डर पर खड़ी हूं मीनाक्षी, और देखिए कि जिस तरीके से रोज की रोज दिल्ली घिर रही है थोड़ी थोड़ी, उसमें गाजीपुर बॉर्डर का भी एक बड़ा हिस्सा यानी गाजियाबाद की तरफ जो सड़क जाती है वहां तक भी लोगों को अब जाने में दिक्कत, क्योंकि यहां पर जो भारतीय किसान यूनियन है उसके तमाम किसान यहां पर इस हिस्से में मौजूद है। सुबह का जो समय था उसमें इस फ्लाईओवर के ऊपर वो पहुंचे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों की भी भारी यहां पर तैनाती है, जिस कारण जो किसान है अब नीचे यहां पर आए हैं। यहां पर एक मंच बनाया है बाकायदा, और उस मंच पर आकर तमाम किसानों को संबोधित करते हुए बातचीत हो रही है, और यहां पर अपनी बातों को यानी इतने दिनों में आंदोलन का जो स्वरूप आप बाकी बॉर्डर्स पर, आप सिंगू बॉर्डर पर खासकर मंच से जो आवाजें सुनती थी, उसी तरह की आवाजें, उसी तरह के भाषण यहां पर भी चल रहे हैं। किसानों की तरफ से जो बातें की जा रही है और सरकार की तरफ से जो बातें की जा रही है मीनाक्षी, उन बातों में ही एक मीटिंग पॉइंट अभी तक नहीं समझ में आया है, और इसीलिए अभी तो बहुत पेचीदा लग रहा है इस मामले का पूरा कोई समाधान। क्या वो जो 34-35 किसान संगठन के नुमाइंदे पहुंचे हैं सरकार से बात करने विज्ञान भवन पर, क्या उनके बीच अगर कोई रास्ता, कोई ब्रेक थ्रू होता भी है, तो क्या बाकी के बाकी जो कई सौ पूरे हिंदुस्तान के हम ले लें किसान संगठन, वो सब मान जाएंगे इन चीजों को? ये सारी चीजें अभी बहुत संदेह के घेरे में है, और इसीलिए इस तरह की जो तस्वीरें हैं दिल्ली के हर इलाके से एक न एक नई जुड़ती जा रही है। ये मामला बहुत पेचीदा, और इस बात का जिक्र अशोक भी कर रहे हैं, श्वेता भी कर रही हैं, कि अभी बेशक बातचीत की टेबल पर मुद्दा है लेकिन आज ही सुलझ जाएगा ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जितनी इसमें पेचीदगियां हैं ये बातचीत अभी अगले स्तर पर भी जाएगी, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। श्वेता, लेकिन यहां पर एक पॉइंट जो आज के दिन में डेवलपमेंट हुआ बड़ा, गृहमंत्री अमित शाह की बैठक हुई है पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ, यकीनन ये बात भी आई ही होगी डिस्कशन में कि कैसे किसानों को कन्विंस किया जा सकता है, समझाया जा सकता है, लेकिन पंजाब की पॉलिटिक्स के मद्देनजर कैप्टन अमरिंदर की क्या भूमिका रहेगी यहां से आगे इस पूरे मुद्दे को सुलझाने की दिशा में? अब पूर्व साथी ने जब साथ छोड़ दिया था और अब अवार्ड वापसी में वो शामिल हो रहे हैं, तो फिर कांग्रेस तो एक प्रतिद्वंद्वी है भारतीय जनता पार्टी की। कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो रुख रहता है हमेशा सकारात्मक रहा है, हमेशा उनकी वो एक कैप्टन, एक तरह से कहें तो एक मुख्यमंत्री पर हावी रहता है। आज जो उन्होंने, हालांकि जब वो बातचीत करने के लिए जा रहे थे गृहमंत्री से, उस समय उन्होंने स्पष्ट किया था मैं मध्यस्थ की भूमिका में नहीं जा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी भूमिका बहुत जरूरी होगी और सभी राजनीतिक दलों की होगी अगर देश के किसान आंदोलित होकर इस तरीके से दिल्ली के हर तरफ से आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, जो दूर भी रहते हैं वो किसी तरीके से कम अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, कम से कम यहां पर अपने किसानों को, अपने उन संगठनों के जो नुमाइंदे हैं उन्हें भेजकर। तो एक सीधी सी बात समझनी होगी कि इस पूरे मामले का निष्कर्ष सिर्फ दो पक्ष हम नहीं समझ सकते कि सरकार है और किसान है, किसान के भीतर भी कई आवाजें हैं और सबके अपने अपने बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर वो चर्चा चाहते हैं, और इसीलिए अगर अमरिंदर सिंह भी जा रहे हैं ये बोलते हुए कि जो पंजाब के किसान हैं उनकी तरफ से वो ये बात रखना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इसका निष्कर्ष इसीलिए जरूरी है क्योंकि अव्वल तो किसान परेशान है, दूसरी चीज ये कि देश की सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल हो सकता है, तो मुझे लगता है कि उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि वाकई जिस तरह की तस्वीरें उभर रही है उसमें अमरिंदर सिंह की बातों का सच हम समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।